आइए जानते हैं स्वरागिनी की रागिनी यानी हमारी तेजस्विनी के शॉकिंग अनोन फैक्ट्स। जी हाँ, तेजस्विनी प्रकाश एक भारतीय टीवी अभिनेत्री है जो रंगीन टीवी के प्रसिद्ध धारावाहिक स्वरागिनी में रागिनी की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध हुई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 18 साल की उम्र में की थी क्योंकि वह बचपन से ही मनोरंजन उद्योग में अपना करियर बनाना चाहती थी। न केवल एक अभिनेत्री, वह एक अच्छी संगीतकार भी है क्योंकि उनके पिता एक गायक है और उन्होंने उन्हें सितार और अन्य संगीत वाद्य यंत्र बजाना सिखाया। आइए देखते हैं तेजस्वी प्रकाश के जीवन के बारे में। साल 2012 के अलावा तेजस्विनी को कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले संस्कार धरोहर अपनों की में भी देखा गया। शो में जय सोनी और शमीन मंडल भी नजर आए थे। तेजस्विनी ने धारा की भूमिका निभाई। शो ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और जल्दी ऑफ एयर हो गया। नंबर 2, कलर्स के शो स्वरागिनी से तेजस्विनी एक घरेलू नाम बन गई। शो में वह एक पारंपरिक मारवाड़ी लड़की की भूमिका निभाती है जो अपनी दादी और पिता की आज्ञाकारी है। तेजस्विनी को शुरू में शास्त्रीय संगीत और सितार में प्रतीक्षित एक लड़की को दिखाया गया था। अपनी भूमिका के बारे में अभिनेत्री ने INS के हवाले से कहा, क्योंकि मैं शास्त्रीय संगीत में प्रतीक्षित हूँ इसलिए मुझे ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। इसके अलावा जिस शहर के खिलाफ ये शो सेट किया गया है वह इसके लिए जाना जाता है, सांस्कृतिक विरासत, इसलिए ये सब एक साथ एक अच्छा अनुभव था। कुछ समय के लिए तेजस्वी शो में नेगेटिव रोल में भी नजर आई थी। ऐसी अफवाहें भी थी कि वे शो छोड़ देंगी क्योंकि वे एक नकारात्मक भूमिका नहीं निभाना चाहती। हालांकि उन्हें नेगेटिव दिखाया गया था, लोगों ने उनके एक्टिंग और स्टाइल को खूब पसंद किया। उनकी लोकप्रियता के कारण निर्माताओं को शो में उनकी वापसी को बनाए रखने के लिए उनके चरित्र को सकारात्मक रंग में बदलना पड़ा। लोकप्रिय रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 में भी वह भाग ले चुकी है। अन्य प्रतिभागियों में करण पटेल, शिवन नारंग, अदा खान, आरजे मलिष्का, रानी चटर्जी, बलराम श्याम, करिश्मा तन्ना और अमृता खान मिलकर थी। तेजो बिग बॉस 15 में आने के बाद से प्यार करने लगी है। जी हाँ, उनकी केमिस्ट्री करण के साथ काफी अच्छी बन रही है। खतरों के खिलाड़ी के दौरान शो के कंटेस्टेंट तेजस्वी प्रकाश और शिवन नारंग के बीच रिलेशनशिप की खबरें सामने आई थी। हालांकि बाद में तेजस्वी ने कहा था कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, मैं उन्हें डेट नहीं कर रही। तो आप लोगों को जानकर बड़ा ही मजा आया होगा आप सभी की फेवरेट तेजस्वी के बारे में ये सब अननोन बातें।